नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के कुछ उन्नत प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको जे एस सोयाबीन की दो सबसे उन्नत प्रजातियों के बारे में यहां पर बताने वाला हूं, जिनकी पैदावार जो है सबसे ज़्यादा हैं। और जिन प्रजातियों के बारे में, जिन उन्नत किस्मों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो बुआई है वो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन तक होती है। वो राजस्थान के चित्तौड़ और कोटा ज़िले के अंदर इनकी बुआई की जाती है और यहाँ पर किसानों को जो है बहुत ही अच्छी इसकी पैदावार मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जिस जे एस सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो नंबर वन है उसकी बात करें तो नंबर वन पर आता है JS 9560। JS 9560 की जो ये वेराइटी हैं, ये 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। और इसमें अगर आप ठंड के दिनों में अगर किसी भी फसल की जल्दी बुआई करना चाहते हो तो ये सोयाबीन की जो प्रजाति हैं, ये जो किस्में हैं, ये सबसे अर्ली वेराइटी हैं और बहुत ही जल्दी जो है ये पककर तैयार हो जाती हैं। और इसकी जो पैदावार है वो लगभग 11 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इसकी अगर अच्छी तरीके से हो जाए तो निकल जाती है। दोस्तों, दूसरी किस्म की बात करें तो JS 2034 है। 2034 भी बहुत ही अच्छी वेराइटी है। इसके जो पत्ते हैं वो घोल आकार के होते हैं। इसका जो पौधा है वो भी काफ़ी अच्छी फुटान लेता है, बड़ा भी होता है, लगभग 2 से 2.5 फीट की हाइट तक पहुँच जाता है। और इसकी जो पैदावार है लगभग 12 से 13 या अच्छी हो तो 14 कुंटल भी प्रति एकड़ तक निकल जाती हैं। दोस्तों, JS 2034 का जो सोयाबीन का जो दाना है वो हल्का वाइट कलर का होता है और JS 9560 का जो दाना होता है वो हल्का पीला कलर का होता है। लेकिन दोनों ही वेराइटियों का जो दाना है वो अच्छी तरीके से फुला हुआ और बड़ा दाना होता है, इससे आपको एवरेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बात करें BH 2034 के बारे में तो 2034 में इल्ली का प्रकोप 9560 से कम होता है। पिछले साल मैंने दोनों वेराइटियाँ लगाई थी, 9560 भी लगाई थी और JS 2034 भी लगाई थी, लेकिन 2034 में मुझे इल्ली का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि मुझे 9560 में इल्ली का स्प्रे करना पड़ा। लेकिन 2034 में ये शिकायत नहीं आई, हालांकि हल्की फुल्की 2-5% शिकायत आई, लेकिन 9560 से बहुत ही कम इसमें शिकायत आई, तो एक फ़ायदा आपको यह भी मिल जाएगा। दूसरा कंपेरिजन की बात करें तो दूसरा होता है 9560 में जो अंकुरण का जो प्रतिशत होता है वो कम होता है, और जो 2034 का जो अंकुरण प्रतिशत है वो 95 से ऊपर है। यानी कि आप जितना बीज डाल रहे हो ज़मीन के अंदर उसमें से 95% अंकुरण होकर आपका बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर JS 2095-60 अगर आप उसकी बुआई कर रहे हो तो उसका जो अंकुरण प्रतिशत है वो थोड़ा कम है, इस हिसाब से आपको प्रति एकड़ लगभग 5 से 7 किलो बीज आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है उस एवरेज को बराबर करने के लिए। तो ये दोनों वेराइटियाँ आप लगा सकते हो, दोनों किस्में बहुत ही अच्छी हैं। जो JS 2034 हैं वो लगभग 90 दिन के अंदर तैयार होती हैं और जो 9560 है JS वो 80 से 85 दिन के बीच में तैयार होकर कट जाती हैं और आप उसको जो है आसानी से ले सकते हो। दोनों का एवरेज सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर चलता है, लेकिन 9560 में जैसा मैंने आपको बताया है अंकुरण क्षमता थोड़ी कम है, दूसरा उसमें इल्ली की शिकायत ज़्यादा आती है, तीसरा उसमें प्रति एकड़ बीज थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि उसका जो पौधा होता है वो सिर्फ एक ही टहनी रहती है, उसमें ज़्यादा फुटान नहीं आती है। इस हिसाब से आपको प्रति एकड़ 45 से 50 किलो के समथिंग आपको जो है बीज की बिजाई करनी पड़ती है। अगर आप कम आपके पास अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी है, फिर भी आपको 40 किलो बीज तो प्रति एकड़ के लिए आपको चाहिए। इसमें आप 5-7 किलो कम रख सकते हो 2034 में, ये थोड़ा फुटान भी लेता है, पौधा भी ज़्यादा बड़ा होता है, अच्छी तरीके से घुमावदार पौधा होता है, तो आपका बीज भी यहाँ पर कम लगेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इन दोनों वेराइटियों में से किसी भी की बुआई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एवरेज मिलता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर तक सोयाबीन की इन दोनों वेराइटियों की बुआई होती है। राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में भी कहीं कहीं किसान भाई इसकी बुआई करते हैं। कोटा ज़िले के अंदर भी 2034 और 9560 की बुआई होती है। और इस क्षेत्र में अगर आपको बीज की ज़रूरत है तो जो जिन जिन ज़िलों के मैंने नाम बताए यहाँ की मंडियों में जाकर आप कहीं से भी इसे कलेक्ट कर सकते हो, आपको ये बीज आसानी से मिल जाएगा। 2034 भी मिल जाएगा, 9560 भी मिल जाएगा, तो आप इसे खरीद सकते हो और इसको आप लगा सकते हो, निश्चित ही आपको अच्छा एवरेज इसका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।